ये सिंपल निडलेस बनाने के लिए 2 to 3 mm की पर्ल यूज़ करूँगी मैं। और आपके पास कोई भी कॉटन थ्रेड या सिल्क थ्रेड जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पीछे से नॉट को हाइड करते हुए अपने ड्रेस की एज पे इस तरह से थ्रेड को निकालें। निडल इस तरह से थ्रेड को रखें और निडल आगे से थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए इस तरह से पास करेंगे। और यहाँ से ये जो आई निडल की आई में जो थ्रेड अटैच है उसे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज एक रैक लगाइए। तो ये फर्स्ट नॉट बन गई। अब ये जो गैप हमने अभी बनाया है ये स्टिच, इसमें 1-2 times इस तरह से बुलियन स्टिच बनाते हुए थ्रेड को पुल कर देंगे। तो ये बुलियन स्टिच बन गया। अब ये जो गैप है इसमें फिर से अपने नीडल को इंसर्ट करते हुए एक एंटी क्लॉकवाइज रैप लेते हुए अपने स्टिच को कंप्लीट करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हम सीखेंगे कि इसमें पर्ल या क्रिस्टल किस तरह से अटैच करते हैं। इस तरह से नीडल में पर्ल को डाल के थ्रेड को ऐसे ही रखेंगे, सेम स्टिच बनानी है। ये पर्ल के अकॉर्डिंगली हमें डिस्टेंस अपना डिसाइड करना है। मैं फिर से देखो एज में फिर से नीडल को थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए ऐसे इंसर्ट कर रही हूँ, थ्रेड मेरा पीछे है। सेम स्टेप मैं फॉलो करूँगी। यही गैप में मैं अपने नीडल को इंसर्ट करी और 2 times रैप लगाऊंगी। सारे स्टेप मैं वैसे ही फॉलो करूंगी।